अगर ह्यूमन साइकोलॉजी या इमोशनल बातें आपको तकलीफ देती हैं, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, अगर आप वो बंदे हो जो बचपन में क्रिकेट खेलते हुए आउट होने पर रो देता था, तो प्लीज़ वीडियो को ना देखें। अगर आप वीडियो को आगे देखते हो तो प्रॉमिस करो वीडियो में बताए तरीकों का उपयोग किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं करोगे। प्रॉमिस? ओके। देखो, यहाँ बहुत सारे रीज़न हैं कि लड़कों को शादीशुदा औरत पसंद आती है। मेरे ओरिगा टेक्निक को यूज़ करने वाले कुछ लोग बताते हैं कि शादीशुदा औरत को पटाना बहुत आसान होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, वो सब कुछ पहले से जानती है, नखरे कम होते हैं और वो बॉम लगती हैं। जो हमारी चाहत होती है वही चाहत उनकी भी होती है, वो हमेशा अवेलेबल होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फ्री होती है। मेरे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि आपका ओरिगा टेक्निक शादीशुदा औरत पर बहुत अच्छा असर करती है, वो जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादीशुदा औरत को कैसे पटाए और उसे बिस्तर तक कैसे ले जाए। देखो यार, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, फिर शादीशुदा औरत ही क्यों? शादी के बाद औरत चालाक हो जाती है, वो अपने उसूल बनाती है। अगर तुम ओरिगा टेक्निक जानते हो तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हो। तुम औरत से जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते, तुम उसी औरत को पटा सकते हो जो ऑलरेडी अफेयर चाहती है या ऑलरेडी अफेयर में है। देखो, अगर उसे अपने पति को धोखा देना नहीं आता तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर वो अफेयर चाहती है और उसे पता है कि अपने पति को धोखा कैसे दिया जाता है, तो उस औरत को पटाना बहुत आसान होगा। जब तुम एज प्रो टेक्निक यूज करोगे, एज प्रो टेक्निक का मतलब है माइंड कंट्रोल। अगर तुम ओरिगा टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो तो तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। आपको याद है मेरे कृष्ण वर्मा लेक्चर? सबसे पहले तुम्हें औरत का भरोसा जीतना होगा। वो कैसे करना है देखते हैं। अगर तुम किसी औरत से बात करते हो तो तुम्हें ऐसे बात करना है कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा ही कंट्रोल है, तुम लाइफ को एंजॉय करते हो और औरत अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो वो भी एंजॉय कर पाएगी। पहले तो बातों की शुरुआत करो, फिर बातों ही बातों में उसे बताओ, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, हर हफ्ते में फ्रेंड के साथ एंजॉय करता हूँ, या बोल सकते हो हम फ्रेंड आज मेरे रूम पे पार्टी कर रहे हैं। उसे बताओ तुम ज्यादातर अकेले रहते हो, मतलब अपने पेरेंट्स से दूर। तुम बोल सकते हो मैं यहाँ किराए से रूम लेकर रहता हूँ। इससे लड़की को लगेगा तुम फ्री माइंडेड पर्सन हो, वो भी बिना किसी दबाव के तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहेगी या वक्त बिताना चाहेगी, अनजाने जगह जहाँ उसे टोकने वाला कोई ना हो, जहाँ वो खुलकर आजादी से सांस ले सके। जब औरत तुम पर भरोसा करती है मतलब वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली है। अब तुम्हें अपने रिलेशन को और गहरा बनाना होगा। वो क्या चाहती है, उसके सपने, जो कुछ वो आज तक नहीं कर पाई। औरत जब लड़की होती है तो उसके बहुत सारे सपने सजाए बैठे होती है, जैसे कहीं घूमने जाना है, किसी रेस्टोरेंट में इंजॉय करना है, अच्छे कपड़े, अच्छा लाइफ स्टाइल का सपना देख रही होती है। लेकिन शादी के बाद वो अपने सपनों का गला घोट देती है। तुम्हें इन्हीं सपनों को फिर से जिंदा करना होगा और सपनों को पूरा करने का वादा करना होगा। देखना, वो छोटी सी बच्ची की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी, तुम्हारी सारी बात मानेगी। जब औरत को यकीन होने लगे कि तुम उसकी चाहतों को पूरा कर सकते हो, तो अब तुम्हें थोड़ा पीछे हटना होगा या पीछे हटने का नाटक करना होगा। जैसे उसे बिना बताए घूमने चले जाओ, उससे कहो फ्रेंड के साथ घूमने आया हो। जब उसे इम्पोर्टेंस देना कम कर दोगे तो उसके दिल में अपने सपनों को टूटने का और तुम्हें खो देने का डर छाने लगेगा। अब वो तुम्हें पटाएगी, औरत अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत चुका जाएगी। वो अपने सपनों को टूटने का दर्द पहले भी झेल चुकी है, वो फिर से वही दर्द नहीं जाएगी। अब औरत का सहारा बनो, वो इमोशनली तुम पर डिपेंड हो चुकी है, अब तुम उसे सहारा दो, उसके सपने तुम पूरे करोगे, उससे बहुत प्यार करोगे, किसी भी हालत में से दूर नहीं जाओगे, उसे यकीन दिलाओ औरत तुम्हारी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ओरिगा और एज प्रो टेक्निक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, कृष्ण बनो लेक्चर की ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वेबसाइट विजिट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।